नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 का पांचवा प्रश्न, हमें इसका गुणनखंड करना है। इसका दूसरा भाग हम करने जा रहे हैं। यह 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 × √2xy प्लस 4 × √2yz माइनस 8 × xz। बच्चों, कई बच्चे ना इस क्वेश्चन को यहाँ पे रूट देखकर ही डर जाते हैं और इसे छोड़ देते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन यदि आप इसे लॉजिक के साथ समझेंगे तो ये आसानी से आपको समझ आएगा। देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझा सकूं। हमें क्योंकि यहाँ a² प्लस b² प्लस c² बनाना है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक ब्रैकेट चाहिए जिसका स्क्वायर होना चाहिए ये। तो x है तो x ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो x का स्क्वायर x² हो गया। यह है 2 किसका स्क्वायर होगा? √2 का स्क्वायर 2। ठीक है बच्चों, प्लस आगे है y का स्क्वायर, तो ये तो आसान है कि y का स्क्वायर हो गया। अब आगे है 8 किसका स्क्वायर होगा? 8 होगा 2√2 का स्क्वायर। कैसे? 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 × 2 = 8। इसका मतलब 2√2 का होल स्क्वायर आता है 8। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 × √2, साथ में है z, इसका होल स्क्वायर। अभी एक चीज और ध्यान में रखनी है कि एक जगह माइनस आ रहा है इसमें, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक रकम माइनस की होगी। कौन सी होगी? देखो, एक्स यहां है, एक्स यहां है, ये दोनों रकमें माइनस की हैं। वाई यहां है, वाई यहां भी है, लेकिन एक माइनस एक प्लस है। इसका मतलब वाई के होने से वाई नेगेटिव नहीं हो सकता। जेड यहां प्लस का है, इसका मतलब जेड भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब जहां एक्स आ रहा है वहीं नेगेटिव टर्म आ रही है। इसका मतलब ये जो एक्स है इसके साथ माइनस का निशान भी है। ये याद रखना कि इस एक्स के साथ माइनस का निशान है। तो आगे तो बहुत आसान है काम। प्लस इसको हम बनाएंगे 2ab, 2 × a यहां से ले लो, −√2x × b y। सॉल्व करके देखो, 2 × √2 = 2√2, x × y xy बन गया। प्लस 2bc, बी कितना है? वाई इंटू सी कितना है बेटा? 2√2z। इसको सॉल्व करके देखो, ये आती है रकम 2 × 2 = 4 × √2 = 4√2, y × z, yz आ रही है, बिल्कुल आ रही है। उसके बाद है प्लस 2 × c, सी कितना है? ये रहा 2√2 × z, और a कितना है? ये रहा −√2 × x। करके देखो, 2 × 2 = 4, √2 × √2 = 2, 4 × 2 = 8, और z × x xz या zx। अब हम क्या करेंगे? ये बन गया सर्वसमिका a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, और ये बराबर होता है a + b + c² के बराबर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या हमें प्राप्त हुआ? a + b + c² हमें प्राप्त हुआ। a किसके बराबर है? −√2x के। प्लस बी किसके बराबर है? वाई के। प्लस सी किसके बराबर है? 2√2z के, इसके होल स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त हुआ। और होल स्क्वायर का मतलब है इस ब्रैकेट को इसी से गुना कर दो, तो यही ब्रैकेट हम दो बार लिख देंगे, √2x + y + 2√2 × z, फिर से −√2x + y + 2√2 × z। ये इसका गुणनखंड आ गया जो कि हमें प्राप्त करना था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आएगा और अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगा हो, यदि अच्छा समझ आया हो, तो बच्चों हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं से भी ये समझ नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके, थोड़ा सा पीछे जाकर इस वीडियो को दोबारा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए।
धन्यवाद।